डाउन। बिल्कुल वकार ने तो जो कहा का, मैं तो पिछले दो साल से कह रहा हूं कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है। इनफैक्ट अब आई थिंक उसे टॉप पे आ जाना पड़ेगा जिस तरीके से। देखें बैटिंग के बारे में मैं तो बता ही सकता हूं, मगर दो ग्रेट बैठे हैं वहां इंजमाम और अजहर, वो ज्यादा बता सके। मैं एज अ बॉलर बता सकता हूं कि जिस तरीके से वो बॉलर को फेस करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं, बॉल जो बॉडी होती है वो गेंद के पीछे होती है, हट के नहीं खेलते, सामने आते हैं। अगर स्क्वायर लेग की जाने पर जाते हैं तो बल्ले के दरमियान उनका बॉल लगता है और बड़ी दलेरी इससे खेलते हैं और रन्स करने का उनको एक पता लग गया कि मैंने स्कोर कैसे करना है दुनिया की किसी भी बॉलिंग के खिलाफ, दुनिया की किसी भी विकेट पे। और आई थिंक ये बड़ा प्लस है कि विराट कोहली ऐसा एक ग्रेट खिलाड़ी, ग्रेट बैट्समैन इंडिया के पास। बोलकर रिटायर हुए थे तो उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ था उनकी फेयरवेल के लिए, जिसमें इसी तरह हमने एक चैनल के साथ इंडिया में बात की थी। उस वक्त मुझसे सवाल किया गया था कि उसके बाद इंडिया का कौन प्लेयर होगा, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब अब तेंदुलकर चला गया, विराट आ गया। विराट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो अपने विकेट पे खड़े होकर खेल रहे थे, बेचैन नजर नहीं आते कि आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, रिवर्स खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, बहुत अब प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। और आई विश कि हमारे पास उनका जैसा आधा खिलाड़ी भी आ जाए ना, 50% पाकिस्तान के पास दो आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। डेब्यूटन डेब्यू है उसका समवेयर अबाउट 2008-09 और वो ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप 12-13 में ही बिकेम अ स्टार एंड स्टार्टेड स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स। ऐसे ही ठीक जी, कमिंग बैक T20 जी आप अच्छे हैं लेकिन आप फिनिशर नहीं है। उन्होंने कहा जी फिनिश अच्छा करके दे सकते हैं। विराट कोहली की स्पेशलिटी कि चेस बहुत अच्छा देता है, चेस और चेस में हम माहिर हैं। अच्छा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, बिल्कुल, जिसमें शॉटें सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स मारेंगे, ऐसे ही है, स्लॉग कहीं नहीं किया गया, बिल्कुल, इसमें थोड़ी पावर ज़्यादा लाई गई, उस पर प्लेसमेंट ज़्यादा लाई गई, बस उसमें थोड़ा जोर ज़्यादा लाया गया, इसमें कहीं भी स्लॉग नज़र नहीं आया।